फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल साइंस स्किल में। तो चलिए, अब हम ला रहे हैं मैथ्स का क्वेश्चन 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। इंडियन नेवी, चाहे SSR का एग्ज़ाम हो, चाहे AA का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MR या NMR की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत हेल्पफुल होगा। खास करके तो AA और SSR में बहुत हेल्प मिलेगा मैथ्स के क्वेश्चन को देख कर, या फिर इसको रिविजन करके आपको खुद अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेट पहला में, 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू इनमें से क्या क्या होगा। तो आप जानते हैं ये तो फार्मूला बेस्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। कोसेक इनवर्स 2 का जो वैल्यू होगा, थीटा बराबर पाई बाई 6 होगा, या फिर बोल सकते हैं उसका प्रिंसिपल वैल्यू भी पाई बाई 6 होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन करेक्ट है, और इसमें एक कंडीशन दिया है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, लेकिन जीरो को छोड़कर, तो ये तो कंडीशन फुलफिल होता ही होता है। तो ये 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। प्रिंसिपल वैल्यू इसका मतलब है कि रेडियन में दिया हुआ है, और ये थीटा है, एंगल है, तो दोनों सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है। देखिए, आप हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि सत्य नहीं है पूछ रहा होता है, और आप सत्य समझ जाते हैं और एक दो ऑप्शन को देखते हैं और टिक कर देते हैं। तो ऐसा दोस्त बिल्कुल ना करें, चीज़ों को अच्छा से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बोल रहा है सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो फार्मूला देख पा रहे होंगे, साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, ये फार्मूला सही है। दूसरा फार्मूला भी सही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, ऑल रियल वैल्यू पे। तीसरा ऑप्शन, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का भी वैल्यू पाई बाई 2 होता है। बट चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये चौथा नंबर, ये सत्य नहीं है, ये गलत है। तो ये नंबर टिक कर देंगे, ये गलत है, क्योंकि टेन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स 1 नहीं होता है, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट बोल रहा है 78 नंबर, कि टेन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/5 4 का वैल्यू क्या है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए हम 78 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। बोल रहा है कि टेन इनवर्स, यहां से देख पाएंगे आप, टेन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4 का वैल्यू क्या होता है। तो फार्मूला आप याद रखिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy फार्मूला होता है, यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, अगर इसको अगर एक्स मानेंगे, इसको अगर वाई मानेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का मतलब 3/5 प्लस 1/4 1 माइनस xy, तो 3/5 इंटू 1/4। तो इसका आंसर बनेगा टेन इनवर्स 5 और 4 का एलसीएम तो हो जाएगा 20, और यहाँ बन जाएगा 12 प्लस 5, और नीचे भी एलसीएम 20 बनेगा, और यहाँ बनेगा 20 माइनस 3। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स रहेगा ही रहेगा, 20 20 कैंसिल आउट होगा, 12 5 17, और नीचे भी 17, तो 17 17 कट गया। तो यहाँ पे क्या आंसर बना, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू आप जानते हैं पाई बाई 4 होता है। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए कि टेन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको टेन इनवर्स 1 का वैल्यू, इसको सॉल्यूशन करने के बाद 78 नंबर जो दिख रहा है क्वेश्चन, 1 आया, यानी कि पाई बाई 4 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, वो बोल रहा है, यदि बिंदु ए बी कॉमा ए डैस बी डैस तथा ए माइनस ए डैस बी माइनस बी डैस एक रेखीय है, तो चार ऑप्शन। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है रेखीय, एक रेखीय, इसका मतलब है कोलिनियर, और कोलिनियर जब भी होता है तो डिटर्मिनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको नंबर को हम सॉल्यूशन करते हैं 79 नंबर को। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले बोल रहा था ए बी, फिर बोला ए डैस बी डैस, फिर बोला ए माइनस ए डैस, फिर बोला बी माइनस बी डैस, और लास्ट में, लास्ट वाले कॉलम में 1 1 रखते हैं, और ये 0। एक कंडीशन होता है एक रेखीय में, एक रेखीय जब बोलेगा
एक रेखीय क्वेश्चन जब बोलेगा तो एक कंडीशन होता है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग देख पाएंगे कैसे होता है। तो इस रो से भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। तो हम ए को अगर लिखेंगे, ए को लेंगे तो यहाँ और यहाँ, तो यहाँ बनेगा बी डैश, बी डैश माइनस बी और प्लस बी डैश, ए को लिए हैं तो। और यहाँ पे लेंगे माइनस बी, ये सब तो कैलकुलेशन पता ही होगा। माइनस बी को लेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा और बचेगा क्या, तो ए डैश, ए डैश माइनस ए प्लस ए डैश। और लास्ट वाले कॉलम को लेंगे वन इज इक्वल टू, तो ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा ए डैश को इसको साथ गुना करेंगे तो बनेगा ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश, और यहाँ बनेगा माइनस ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश और इक्वल टू जीरो। क्योंकि इसलिए इक्वल टू जीरो क्योंकि अभी तो हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे थे। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो यहाँ पे अब आगे पे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं ए को बी डैश माइनस बी प्लस, तो यहाँ बी डैश कितना बी डैश, टू बी डैश माइनस बी माइनस बी, और यहाँ से ए डैश कितना बना, टू ए डैश माइनस ए, और वन को साथ इतना साथ गुना करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए डैश बी डैश एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों कटेगा। अब यहाँ यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे तो वही बचेगा ए डैश बी और माइनस ए बी डैश इक्वल टू कितना, जीरो। फिर से सॉल्यूशन करते हैं, अब यहाँ बनेगा टू ए बी डैश माइनस ए बी माइनस टू बी ए डैश माइनस माइनस बनेगा प्लस प्लस ए बी और प्लस ए डैश बी माइनस ए बी डैश इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए बी डैश और किसी के साथ है, तो टू ए बी डैश में से यहाँ ए बी डैश घटेगा तो एक टू ए बी डैश बचेगा और माइनस ए बी और प्लस ए बी ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और टू बी ए डैश और ये बी ए डैश तो माइनस में बचेगा कौन सा, बी ए डैश इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे कि दोनों में कैसा रिलेशन बनेगा, तो ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश, ये रिलेशन सही होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी, यही मेरा रिलेशन आया था, तो ऑप्शन नंबर टू होगा ए बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी या फिर बी ए डैश, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें बोल रहा है कि ए का वैल्यू एक मैट्रिक्स में दिया हुआ है, हमको इसका डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है 80 नंबर, यहाँ पे बोल रहा है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कौन सा था, 3 7 2 5, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे 3 7 2 5 और डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जाएगा तो 15 - 7 × 14, तो आंसर बनेगा 1। और ऑप्शन से चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन में है 1, तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल सॉल्यूशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना है, वाई का वैल्यू दे चुका है 1/√a² - x² और हमको यहाँ से निकालना है dy/dx। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए जो 81 क्वेश्चन है, y बराबर वैल्यू दिया हुआ है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन को स्मॉल यानी कि बहुत सॉल्यूशन को छोटा करने के लिए आप चीज़ों को मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं a² - x² को t। तो इसको अगर t मानेंगे तो अब जो y का वैल्यू बन गया 1/1 कितना बन गया, √t बन गया, क्योंकि हम इसके जगह पर t डाल चुके हैं। अब अगर ऐसा किए हैं और हमें डिफरेंशिएशन निकालना है dy/dx, तो dy/dx निकालना है तो हम अब इसको चैन रूल से कर सकते हैं dy/dt और dt/dx। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि dt/dt कट भी जाएगा, और जो y का वैल्यू मेरे को मिला है वो मिल रहा है 1/√t और /dt इंटू, और t का वैल्यू क्या है, तो हम t का वैल्यू यहाँ से मान चुके हैं, तो यहाँ बनेगा dA²-x² a² - x² / dx।
अब इसका जो वैल्यू होगा इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा डी टी के पावर ऊपर जाएगा तो -1/2 और बटा में डी टी इंटू यहाँ बनेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहाँ बनेगा -2x। अब अगर x के पावर माइनस है तो माइनस को बाहर लाएंगे, -1/2 इंटू और टी के पावर यहाँ बनेगा -3/2 और यहाँ बनेगा -2x। तो यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस और टू टू कट भी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका राइट आंसर बनेगा x इंटू टी के पावर -3/2। अब t का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो ax इंटू टी का वैल्यू क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -3/2, तो ये माइनस वाला को अगर नीचे करेंगे तो बनेगा ax बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये हो जाएगा आंसर इसका डिफरेंशिएशन का। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं ये वाला ऑप्शन कौन सा है। तो ये वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई ऑप्शन चौथा टिक किया है जो कि गलत है, राइट आंसर तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वाई का वैल्यू दिया है और आप अगर SSR-AA का तैयारी करना कर ही रहे हैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कैलकुलस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई का वैल्यू दिया है e के पावर x log के अंदर sin 2x और फिर हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या वैल्यू बोल रहे हैं। e के पावर x इंटू log साइन क्या था क्वेश्चन, log sin 2x ये क्वेश्चन है। y बराबर e के पावर x log साइन के अंदर 2x है और हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पहला u और दूसरा v। तो फार्मूला लिख लेते हैं, u इंटू v का फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, u को बाहर कीजिए dv/dx प्लस v को बाहर कीजिए du/dx, ये फार्मूला होता है। तो हम इसमें हम किसी को भी u मान सकते हैं और दूसरे वाले को भी मान सकते हैं। तो u को अगर बाहर करेंगे तो e के पावर x को अगर बाहर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो d log साइन 2x बटा डी log को अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन 2x के रिस्पेक्ट में और d साइन 2x को डी 2x के रिस्पेक्ट में और डी 2x को dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ चैनल लगा दिए और प्लस अभी u को तो बाहर किए, v का डिफरेंशिएशन इतना हुआ और प्लस भी को बाहर करेंगे यानी कि log साइन 2x को बाहर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन, तो u का आप देख पा रहे होंगे u e के पावर x है और e के पावर x का डिफरेंशिएशन खुद ही हो जाता है e के पावर x। तो आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ बनेगा e के पावर x, यहाँ देख पा रहे हैं d log साइन 2x, तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin 2x इंटू साइन 2x का, तो साइन 2x हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा 2। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो log साइन 2x इंटू e के पावर x, ये वाला हो जाएगा, यहाँ वाला सेम उतर जाएगा। अब अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ भी e के पावर x है, यहाँ भी e के पावर x है, तो खैर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो बनेगा, यहाँ e के पावर x है और यहाँ भी e के पावर x है, यहाँ भी e के पावर x है, यहाँ भी e के पावर x है, तो e के पावर x को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा cos x बटा sin x यानी कि cos 2x बटा sin 2x, तो यहाँ बनेगा 2 cot 2x सॉरी बीच में प्लस भी होगा, प्लस log sin 2x। तो इसका आंसर राइट आंसर बनेगा डिफरेंशिएशन का, e के पावर x 2 cot 2x प्लस log के अंदर sin 2x, ये आंसर बनेगा। देखते हैं ये वाला आंसर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 7 दिख रहा है, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा e के पावर x 2 cot 2x प्लस log sin 2x, तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर जो दिख रहा है, कॉस इनवर्स कॉटेक्स का वैल्यू एक्स के सापेक्ष अवकलन का मान क्या होगा,
यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पे भी हमको डिफरेंशिएशन करना है। लिखते हैं y का वैल्यू दिया है cos इनवर्स cot x, और हमको यहाँ पे y बराबर cos इनवर्स cot x दिया हुआ है, और हमको dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहले हम इसको अंदर वाले को t मान लेंगे, cot x को मानेंगे t। तो अब y का वैल्यू क्या बनेगा? y का जो वैल्यू बनेगा cos इनवर्स t बनेगा। और अब हम अगर dy बाई dx अगर निकालना चाहते हैं तो dy बटा dt और इंटू dt बटा dx, चैन रूल से करेंगे काम। तो dy बटा dt का वैल्यू क्या? तो y का तो अब वैल्यू क्या बनेगा? cos इनवर्स t और बटा dt इंटू, और t का वैल्यू क्या? तो t का वैल्यू cot x, तो d cot x बटा dx। अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो cos इनवर्स t का फार्मूला होता है माइनस वन बटा रूट अंडर वन माइनस टी स्क्वायर इंटू, और cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x। और t हम किसको माने हैं? तो माइनस वन बटा t हम माने हैं cot x को, तो t के जगह पर रख देंगे cot x, वन माइनस cot स्क्वायर x इंटू माइनस cos x स्क्वायर x। अब वन माइनस ये आंसर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो cos x स्क्वायर x अपॉन रूट अंडर वन माइनस cot स्क्वायर x, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, cos x स्क्वायर x रूट अंडर वन माइनस cot स्क्वायर x, ये वाला सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर, log x बटा x इंटू डी एक्स का मान क्या होगा? तो log, इसका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीग्रेशन है log x बटा x इंटू डी एक्स, तो log x बटा dx, तो हम क्यों ना मान लें log x को t। तो अगर log x का t माने हैं तो log x का क्या होगा? 1 बाई एक्स डी एक्स और बराबर डी टी। तो अगर फिर से अगर चलेंगे तो log x dx, 1 बाई एक्स डी एक्स के जगह पे, 1 बाई एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी लिख देंगे, और log x को माने हैं t, तो t डी टी, और t डी टी का बनेगा t स्क्वायर बटा 2, और t का वैल्यू हम क्या माने हैं? log x, तो यहाँ बनेगा log x का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस t। तो इस देखते हैं log x का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस t कौन सा ऑप्शन में है। तो ये log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है, log x का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x क्यू अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यू है और इंटू dx है, इसको करना है इंटीग्रेट। तो चलिए यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस 1 को मानते हैं t, अगर इसको t मान लिए हैं तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन देगा 2x, 1 का तो 0 होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से x dx का जो वैल्यू होगा 1 बाई 2 dt बनेगा। अब अगर हम लोग फिर से x स्क्वायर का अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा? t माइनस 1, x स्क्वायर का यहाँ वैल्यू निकलेगा t माइनस 1। अगेन फिर इंटीग्रेशन चलेंगे तो इस x क्यू को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर इंटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को तो हम लोग t मान चुके हैं, तो यहाँ हम लोग t का क्यू दे सकते हैं और इंटू dx। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ t माइनस 1 रख सकते हैं, t माइनस 1, और x dx का जो वैल्यू है, x dx का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई 2 dt, तो यहाँ लिख दिया 1 बाई 2 dt, और यहाँ से लिख सकते हैं नीचे है t क्यू। तो अगर हम लोग अब फिर से अगर काम करेंगे तो अगर हम इसको बारी बारी से तोड़ेंगे तो अलग अलग पार्ट में कैसे टूटेगा? पहला तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एक बनेगा 1 बाई टी स्क्वायर और माइनस 1 बाई टी क्यू और पूरा का डी टी, और यहाँ 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 है, और 1 बाई टी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं टी के पावर माइनस 2 डी टी और माइनस टी के पावर माइनस 3 डी टी। 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 होगा और t के पावर माइनस 2 है, तो ये बनेगा कितना? तो ये बनेगा t के पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और यहाँ पे बनेगा माइनस,
यहाँ टी के पावर माइनस थ्री है, तो यहाँ बनेगा टी के पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू। तो फिर से अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो बनेगा वन बाई टू माइनस वन बाई टी, और माइनस माइनस तो प्लस बना देगा, यहाँ से देख पा रहे होंगे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देगा, और यहाँ बना देगा वन बटा टी स्क्वायर। यानी कि हम बोल सकते हैं वन बाई टू और टी स्क्वायर का एलसीएम, टी और टी स्क्वायर का एलसीएम क्या बनेगा, तो टी स्क्वायर, और यहाँ बनेगा माइनस टी और यहाँ बनेगा प्लस वन। यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा वन बाई टू वन माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर। और टी हम किसको माने थे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से टी हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को माने थे, तो यहाँ जाएगा आंसर वन बाई टू वन माइनस टी का वैल्यू माइनस वन और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ हाँ माइनस टी का वैल्यू था, तो टी का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ए वन से वन कटा, तो राइट आंसर बनेगा वन बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा वन बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन इसका राइट आंसर होगा, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर फोर, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इसमें से यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन है, ये तो ये तीनों में से नहीं होगा, तो राइट आंसर चौथा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख रहे होंगे 86 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको इंटीग्रेट करना है, जीरो टू ए लिमिट दिया हुआ है और डी एक्स बटा रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, आप देख पा रहे होंगे जीरो टू ए लिमिट है डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे सवालों में हम करते क्या है कि पहले जो अंडर रूट के नीचे रहता है उसको हम लोग स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करके अलग अलग, ताकि फार्मूला बन सके रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बन सके उसको कन्वर्ट करते हैं। तो नीचे आप देख पा रहे होंगे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको हम कन्वर्ट किए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाहर ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई फोर और प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि ये जो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बचना चाहिए। फिर इसको फार्मूले पे बनाने के लिए इस पार्ट को ए बाई टू का होल स्क्वायर किया माइनस, और इसको अगर तोड़ेंगे तो x माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर बनेगा, तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे x माइनस ए बाई टू है और ए बाई टू का होल स्क्वायर है। तो अगर ऐसा फार्मूला रहता है तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ तो x के जगह पे है x माइनस ए बाई टू और ए के जगह पे है ए बाई टू, और लिमिट जीरो से ए है तो जीरो से ए ही रहेगा। नेक्स्ट है, अगर इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे x के जगह पे और a के जगह पे, तो 2 से कटेगा, ऊपर बचेगा 2x माइनस ए अपॉन ए, और फिर लिमिट है क्योंकि x के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे a, तो 2a माइनस ए, तो a बाई ए साइन वर्स 1 बनेगा, और घटाया जाता है लोअर लिमिट को, तो लोअर लिमिट बनेगा अगर 0 रखेंगे तो माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस दे देगा तो 2 साइन वर्स 1, और साइन वर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, तो 2 से 2 कटेगा तो बनेगा पाई। तो आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर जो पाई आया है, आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है, तीसरा नंबर। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे 87, इसको भी इंटीग्रेट करना है, जो कि इंटीग्रेशन से सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इंटीग्रेशन से इम्पोर्टेंट ही है मान लें, क्योंकि ये नेवी का ये बोल सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड आते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से। तो चलिए अब देखते हैं 87 को, देख लीजिए क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और कोसेक्स अपॉन कोसेक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल क्यूब है और डी एक्स रेशियो इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल क्यूब लिमिट है dx के। हम किए क्या कि कॉस एक्स का फार्मूला लगा दिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल का फार्मूला होता है, और फिर जस का तस नीचे वाला वैसे ही छोड़ दिए हैं। अब हम किए क्या कि कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 को हम मान लिए हैं t, तो जब इसको t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन, टी मानकर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन बाई टू कोस एक्स बाई टू हो जाएगा और साइन एक्स का
कोस एक्स का माइनस हो जाएगा और साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स और टी का डिफरेंशिएशन डी टी, यानी कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो ये मिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऊपर डी टी बन रहा है क्योंकि इसका वैल्यू टी है और हम ऊपर लिखे हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और इन टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू। तो इसको अगर डी टी के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम पुट करेंगे तो बनेगा क्या, डी टी अपॉन टी स्क्वायर। और लिमिट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जब एक्स का वैल्यू जीरो था तो टी का वैल्यू वन था, यानी कि अब एक्स का जगह पर अगर इसको हम लोग टी माने हैं, अगर एक्स जीरो है तो टी का वैल्यू वन आएगा, अगर हम एक्स का वैल्यू पाई बाई टू लेंगे तो टी का वैल्यू रूट टू बनेगा। यही कारण है कि हम लोग लिमिट वन से लेकर रूट टू किए हैं, वन से लेकर रूट टू किए हैं। अच्छा उसके बाद अगर बात करें तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर बनेगा और लिमिट वन से रूट टू है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा माइनस टू बाई टी होगा और लिमिट वन से रूट टू, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आंसर आएगा रूट टू ब्रैकेट में रूट टू माइनस वन। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर नज़र आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पहला सही आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देख पा रहे होंगे 88 क्वेश्चन में, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर वैल्यू दिया हुआ है और हमें क्रॉस निकालना है कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो हमको ए क्रॉस बी पहले निकालना होगा फिर उसका मॉडुलस निकालना होगा। तो चलिए इसके देखते हैं सॉल्यूशन कितना आता है। तो आप देख पा रहे होंगे ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया है और हमें ए क्रॉस बी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, ऊपर आई जे के लिखते हैं और ए वेक्टर का वैल्यू 3 1 -4, तो यहाँ लिखा 3 1 -4, 6 5 -2, तो 6 5 -2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अगर इसको छुपाएंगे तो यहाँ बनेगा -2 + 20, तो यहाँ देखिए -2 + 20। उसके बाद माइनस जे लिखा जाता है और उसके बाद अगर जे वाले को पकड़ेंगे तो बनेगा -6 - 6 + 24। अब अगर हम के वाले को पकड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे के, और के वाले को पकड़ेंगे तो 15 - 6। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे बन रहा है वो बनेगा 20 में से 2 गुने, 18 i कैप - ये बनेगा 24 में से 18 j कैप, और 15 में से 6 गया 9 k कैप। अब हमको तो ए क्रॉस बी का वैल्यू मिला है, ए क्रॉस बी का वैल्यू मिला है, हमको चाहिए ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो 18 का स्क्वायर + 18 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सबका स्क्वायरिंग को जोड़कर √729 आएगा और √729 का वर्गमूल होता है 27, तो इसका राइट आंसर बनेगा 27। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे एक वेक्टर दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2i + 3j + 2k और दूसरा वेक्टर दिया हुआ i + 2j + k पर प्रोजेक्शन। तो देखिए हम प्रोजेक्शन का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन का फार्मूला लिख रहे हैं, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी का मॉडुलस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है 2 3 2, तो यहाँ 2i कैप + 3j कैप + 2k कैप को डॉट करना है बी के साथ i कैप + 2j कैप + k कैप, और नीचे में इसका मॉडुलस i कैप + 2j कैप + k कैप का मॉडुलस यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ बनेगा 2 + 3 2 = 6 + 2 1 = 2 अपॉन, इसका अगर रूट अंडर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 6 4 10 हो गया और रूट अंडर 2 2 का 4 और 2 6। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 10 / 2√3 बनेगा, सॉरी 2 2 4 नहीं, इसका रूट अंडर 6 ही होगा, 2 2 4 और 10, तो इसका बनेगा √6/√6, तो यहाँ बनेगा, ये रेशनलाइज कर दिए
तो 10/6 × √6, तो 5/3 √6। तो देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, 5/5/3 √6, तो ये ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। 52 कार्डों के पैक में से एक कार्ड अदृश्य खींचा जाता है, इसमें क्या बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? तो पूरे 52 कार्ड में आप देख पाते होंगे या फिर आपको पता होगा कि बादशाहों की टोटल संख्या 4 होती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 90 नंबर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि बादशाहों की संख्या, सॉल्यूशन देख लीजिए, बादशाहों की संख्या कुल 4 होती है, और यही काम करेगा नंबर ऑफ इवेंट का। और हम लोग जानते हैं कि टोटल पत्ते कितने हैं, टोटल अगर 52 पत्ते हैं, ये काम करेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का, और हमके प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 4/52 करेंगे तो 1/13 ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देख लीजिए, 1/13 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो 1/13 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, उस पर कुल योग 6 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? यानी कि 2 पासे को अगर 2 बार उछाला जाता है, तो टोटल इवेंट 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और नंबर 6 होना चाहिए, तब प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल नंबर जो इवेंट होगा, टोटल सैंपल स्पेस होगा, वो 2 बार उछाला जा रहा है, इसलिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त होगा 36, और सम चूंकि हमको 6 मिलना चाहिए, तो या तो 2 4 ले सकते हैं, 4 2 ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं, फिर भी 6 आएगा, 5 1 लेंगे फिर भी 6 आएगा, 3 3 लेंगे फिर भी 6 आएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट जिसमें बोल सकते हैं कि हमको 6 आएगा, उसकी संख्या 5 है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 5/6, 5/36, क्योंकि टोटल इवेंट 5 गो, नंबर ऑफ इवेंट 5 गो होगा, टोटल सैंपल स्पेस 36, तो 5/36। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 5/36 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियामक 3 ठो दिया है कोऑर्डिनेट, और एक दूसरे के पक्ष क्या है, मतलब कि ए और बी और 3 को कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये चेक कीजिए कि रेखीय है, कि त्रिभुज के नियामक है, कि क्या है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 3 कोऑर्डिनेट्स दिया था, 4 3 5 1 1 9, हम ए बी सी नाम दे दिए हैं। हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला होता है √(x2 − x1)² + (y2 − y1)² तो ए बी के लिए के बीच का डिस्टेंस निकाले हैं, तो आया है √5। उसी तरह से आप बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालिएगा, तो बी सी के बीच का आएगा 4√5 और ए सी के बीच क्या आएगा 3√5। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ए बी और ए सी, यानी कि यहाँ √5 है और 3√5 है, ये दोनों को जोड़ने से बी सी प्राप्त होता है। तो ये पता चल रहा है कि ए बी और ए सी का सम बी सी दे देगा, इसका मतलब है कि लीनियर है, यानी कि रेखीय। तो इसको ऑप्शन देखते हैं, रेखीय ऑप्शन है पहला नंबर में, तो ये पहला नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नियामक दिया हुआ है, 2 कोऑर्डिनेट, और ये जोड़ने वाला मध्य बिंदु यानी कि मिडिल पॉइंट निकालना है, 2 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं, 2 अलग अलग पॉइंट्स दिया हुआ था, हमको मिडिल पॉइंट्स चाहिए, तो x1 x2/2 यानी कि 22 में 0 जोड़ेंगे, 22 और 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक्स एक्सिस मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा 11, और अगर वाई का बात करें तो 20 और 16, 36/2 इसका मिलेगा 18, तो 11 18 इसका आंसर हो जाएगा मिडिल पॉइंट का। तो देखते हैं 11 18 ऑप्शन में है कि नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन सही है, 11 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, नियामक दिया है 2 कोऑर्डिनेट्स का, लेकिन इस बार रेशियो बांट रहा है, 7:5 रेशियो में बांट रहे हैं, तो बिंदु का नियामक क्या होगा? तो ये बिल्कुल ज्योमेट्री का है, 10th में अगर ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो। चलिए देखते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, −3 और −4, −8 और 7, और दोनों का रेशियो दिया है एम और एन, जिसको बोलते हैं 7 और 5। हमको ये दोनों के बीच का निकालना है, मिडिल पॉइंट नहीं, जबकि ये निकालना है हमको, दोनों अगर इतना रेशियो में है तो दोनों के बीच के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो एक्स एक्सिस का जो फार्मूला होता है, 7 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये फार्मूला होता है 7 × −8 और 5 × −3,
बटा सम, दोनों का रेशियो का सम। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 71 बटा 12 आंसर आएगा एक्स एक्स कोऑर्डिनेट का। अगर वाई वाला केस करेंगे तो 7 को वाई से, 7 वाई वाई वाला मल्टीप्लाई करेंगे वाई कोऑर्डिनेट से, तो 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू माइनस 4, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, बटा में दोनों का सम, तो ये दोनों का सम आएगा 29/12। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस 71/12 और 29/12। इसमें देख ले देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, माइनस 71/12 और 29/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है कि 1 और 2 एक कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट का, और दो कोऑर्डिनेट्स 6 8 और 2 4 को जोड़ने वाले मध्य बिंदु से दूरी निकालना है। इसका मतलब यह है कि 6 8 और 2 4 दो कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, इसका जो मिडिल पॉइंट निकलेगा उसका एक बिंदु 1 2 से के बीच का दूरी निकालना है, यानी कि डॉट डॉट जो हम दिए हुए हैं इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है किससे, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट के मिडिल पॉइंट से। तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं इसके और इसके बीच का मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो कैसे कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, तो 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे जो कि मिडिल है, तो जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 चौके 8, इसका वाई कोऑर्डिनेट है 8 और 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो ये वाला मिडिल पॉइंट बनेगा 4 6, और इसका जो दूरी निकालना है 1 2 से निकालना है, तो दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, उस पर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 5 यूनिट। तो ऑप्शन देखते हैं, 5 इकाई ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ये वाला 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज के नियामक दिया हुआ है 3 गो, और उसको बोल रहा है कि उसका सेंट्रोइड क्या कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी कि जब त्रिभुज के 3 कोनों का, 3 बिंदुओं का या 3 कोनों का वर्टिसेस का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों कोनों का हमको कोऑर्डिनेट्स पता है और बीच में होता है सेंट्रोइड, तो उसको हम मान लिए हैं एक्स वाई, तो निकालना है एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसका सेंट्रोइड का। चलिए एक्स सेंट्रोइड के लिए एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तीनों एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को जोड़कर 3 से डिवाइड करते हैं, और वाई वन वाई को कैसे निकालते हैं, वाई वन वाई टू वाई थ्री को जोड़कर 3 से डिवाइड करते हैं, तो एक्स वन का वैल्यू यहाँ हो जाएगा माइनस 9 8 4 को जोड़कर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/3 1 आएगा, और वाई वाला को जोड़ेंगे तो तीनों वाई वाले वाई वन वाई टू वाई थ्री को जोड़ेंगे तो 12/3 आएगा, और इसको काटेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स मिला 1 4। तो देखते हैं ऑप्शन में 1 4 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के का मान क्या होगा यदि बिंदु ए का 2 3 है, बी का 4 के है और सी का 6-3 एक रेखीय है। देखिए एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर कोई भी रेखीय होता है और कोऑर्डिनेट्स का, तो 1/2 और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। जब भी लीनियर का क्वेश्चन है कि लीनियर है, सवाल बोलता है कि लीनियर है या रैखिक है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो 1/2 और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा था 1/2 तो लगा दिए, लेकिन एगो 2 3 था, एगो 4k था, 6-3 था, और ये अपने तरफ से 1 1 1 देते हैं रूल के अकॉर्डिंग बराबर 0। तो आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके आएगा k इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्यूशन करने आता ही होगा। कैसे कर रहे थे, एक बार हम पिछले वीडियो इसमें भी सवाल सॉल्व किए हैं, वो ए क्रॉस बी निकालते वक्त डिटर्मिनेंट का यूज किए थे, वैसे ही सेम प्रोसेस इसका है, डिटर्मिनेंट निकालिए और के का वैल्यू निकाल लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर में है, यदि द्विघात समीकरण जिसका मूल -1/2 है और 4 है, तो उसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवालों में हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू दे रखा होता है, जैसे मान लिया कि अल्फा का वैल्यू -1/2 है और बीटा का वैल्यू 4 है, और द्विघात समीकरण, तब हमको अगर द्विघात समीकरण निकालना होगा तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो -4/2 आएगा, जो कि यहाँ पे लिख रहा है -4/2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसको क्या किए हैं कि 2 से दोनों तरफ गुना कर दिए हैं, यहाँ इक्वल टू है और इसके बराबर 0 है, इधर
कुछ द्विघात समीकरण है, तो दोनों तरफ दो से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा 2x2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा -7x, और यहाँ भी -4 बनेगा, = 0 बनेगा। तो यहाँ दो से दोनों तरफ गुणा कर दिए हैं, चूंकि आंसर मिलाना था, आंसर में ऑप्शन में वैसे ही दिया हुआ था, तो देख पा रहे होंगे 2x2 - 7x - 4 = 0 दिया हुआ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, Z1 + Z2 का बार है, बोल रहा है कि इनमें से किसका किसके बराबर होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है, प्रॉपर्टीज ही होता है कि अगर Z1 + Z2 अगर अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का रहेगा और इसका जोड़ जोड़ करने के बाद इसका बार रहेगा, तो ये फार्मूला होता है Z1 का बार कीजिए और Z2 का बार कीजिए और Z1 में से घटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज पे है, इसको सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी का एनवां पद 2n-1 है तो उसके एन पदों का योग। जी हाँ, ये एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें बोल रहा है कि एनवां पद 2n-1 है तो हमको एनवां पदों का योग निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एनवां पद का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 2n-1, और हमें निकालना है एनवां पदों का योग, यानी कि एन उस वोसी एनवां पदों का सबका टोटल सम निकालना है। तो चूंकि एनवां पद का वैल्यू 2n-1 दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि tn का जो वैल्यू होगा वो 2n-1 के इक्वल होगा, और इसका हमको समेशन निकालना है, तो ये समेशन का साइन है, समेशन ऑफ tn का वैल्यू होगा समेशन ऑफ 2n-1। हम इसको अलग अलग किए तो समेशन ऑफ 2n - समेशन ऑफ 1, और चूंकि कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट समेशन से बाहर आ जाएगा, तो 2 summation n - और इसका वैल्यू होता है n, क्योंकि n टर्म्स का हमको सम निकालना है, तो n और यहाँ तो 2 है, और इसका फार्मूला होता है n/2 (n+1) और -1। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और n मिलकर n² + n - n कटेगा, तो ये दोनों n टर्म्स का जो सम होगा वो n² के इक्वल होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिखा रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो कंप्लीट हुआ ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट सेट लाएंगे। बाकी वेरी वेरी थैंक्स।